नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गंगानगर के रजूल सिटी स्थित देर शाम घर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते देख वहां मौजूद लोग किसी तरह बचकर बाहर निकले। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग समूचे कमरे में फैल चुकी थी, जिसके बाद तुरंत ही दमकल विभाग को हादसे की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पीड़ित रागिनी यादव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते अग्नि हादसा हो गया, जिसमें गृहस्थी की सामान जलकर खाक हो गए। हादसे में करीब 9 से 10 लाख रुपए के सामान जल गए। बीते साल के जश्न में डूबी संस्कार अधानी और नए साल के आगाज के बीच रांची में देर रात एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक से मोहल्ले में रहने वाले 3 युवकों के पुराने विवाद थे, जिसके बाद आरोपियों ने एक राय होकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पूरा मामला रांची झंडा चौक का है, जहां सहदेव साहू थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया और पूछताछ जारी है। जी भैया, क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा और कहां का मामला है? ये नई बस्ती झंडा चौक में हुआ था। ये खेर में झंडा चौक में इनका झगड़ा हुआ था कुछ लोगों से वहीं पे। तो क्या है, फिर मेरे को जानकारी मिली कि इनका बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आ गए इनको देखे। बाद में फिर पता चला कि वहाँ पर कुछ लड़के थे, उन्हें चोट पहुँचाई इनको। क्या मारा था? चाकू मारी थी। कितने लड़के थे और क्या नाम है जो मृतक है उनका, क्या नाम? श्यामलाल पटेल। नए साल के जश्न से पहले ही प्रशासन द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि उन रिजॉर्ट और होटलों में जहां शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां अगर शराब पिलाते पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि गढ़ा स्थित वृंदावन रिजॉर्ट में नए वर्ष के जश्न के दौरान शराब परोसी जा रही है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची आबकारी टीम ने देखा कि रिजॉर्ट में अघोषित बार भी संचालित किया जा रहा है। आबकारी अधिकारियों ने तुरंत मामला दर्ज करना शुरू कर दिया। इस बीच एक युवक अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और स्वयं को सूबेदार बताते हुए आबकारी अधिकारियों से विवाद करने लगा, और काफी देर तक चले विवाद के बाद आबकारी अधिकारियों ने अवैध रूप से शराब परोसने सहित शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। तो वही विवाद करने वाला कथित सूबेदार कौन है, इसकी भी तलाश की जा रही है। बरेला थाना अंतर्गत बाईपास पर नरसिंह मंदिर के पास मंडला की ओर से आ रहे कंटेनर और निवास से जा रही 207 में आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर अवस्था में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल भेजा गया है। इस हादसे में कंटेनर के ड्राइवर और कंडक्टर फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, फरार आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। इस टक्कर के बाद बाईपास पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। बताया जा रहा है कि इस ब्लैक स्पॉट पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आज लगभग 3 बजे की घटना है। राहगीरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नरसिंह मंदिर बरेला बाईपास में एक 207 वाहन एवं एक कंटेनर गाड़ी का जो है टक्कर हो गया है और ड्राइवर कंडक्टरों को चोटें आई है। और मौके पर तत्काल पुलिस बल लेकर रवाना हुए, जहां काफ़ी रोड जाम की स्थिति बनी हुई थी तथा 207 क्षतिग्रस्त हालत में थी, जिसमें दो लोग एक कैलाश पिता इकबाल सयाम ये बर्न कंपनी एवं एक रोहन नाम का व्यक्ति जो है गाड़ी में फंसे हुए थे, जिनको स्थानीय लोगों के जेसीबी बुलाकर जो है उनकी मदद से इनको निकाल कर एक के सर में चोट होने और एक के पैर हाथ में चोट होने से इनको तत्काल मेडिकल रेफर कराया गया था। वही भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा जैनों के तीर्थ श्री समेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज अपने तीर्थ के लिए संघर्ष कर रही है। 21 दिसंबर को संपूर्ण भारत में जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकाला गया और आज संपूर्ण भारत में जैन समाज के युवाओं ने मुंडन कराकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बरेला में महेंद्र जैन, अमित जैन, संदीप जैन, अरिहंत जैन, धर्मेंद्र जैन, मयंक जैन ने भी अपना मुंडन कराकर भारत सरकार के निर्णय का विरोध किया और बरेला थाना प्रभारी को दिगंबर जैन पंचायत सभा बरेला के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।
शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में इसके पहले भारत बंद का आयोजन हुआ। दिल्ली में आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं एवं आज इसी तारतम्य में पूरे भारत में मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि केंद्र सरकार शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र से बाहर नहीं करती एवं पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं करती तो पूरे देश में आमरण अनशन एवं धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। आज बरेला में हम युवाओं ने पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में अपना मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया। नाम मयंक कुमार जैन, जैन समाज बरेला। टीकमगढ़ गुरु सुपद सुदर्शन धाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा 12x22 स्थापित करने के लिए चबूतरे का निर्माण किया गया था। पहले भी नायब तहसीलदार के द्वारा स्टे लगा दी गई थी, जिसके बाद भीम आर्मी ने 24/11/2022 को कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया था कि स्टे निरस्त कराए जाने के लिए और प्रतिमा लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया था। आज जो ज्ञापन देने आए हैं, किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं? 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन पर सुंदरपुर में नई सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसकी शासन प्रशासन ने गुरु सुदर्शन धाम की बाउंड्री तोड़कर और उसके बीच में से एक रास्ता निकाली है, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित हेतु एक चबूतरा बनाया गया था, तो शासन के द्वारा उस पर मिट्टी डाली गई और हटाने का प्रयास किया जा रहा है। भीम आर्मी ने उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि वो कार्य जल्द से जल्द स्थगित करे, अन्यथा भीम आर्मी जन आंदोलन अनशन आंदोलन करने के बाद होगी 1 तारीख से 1 जनवरी 2023। बुरहानपुर जिले में भी नए साल के आगमन और 31 को लेकर लोग काफी हुड़दंग मचाते हैं और इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने और शहर की कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी कमर कस ली है। 31 को लेकर संबंध में भी मेरे द्वारा जो अवैध होटल ढाबों पर भी मतलब जहाँ भी अवैध शराब पीते हुए या कोई भी व्यक्ति पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। होटल ढाबों पे शराब परोसी जा रही है जी। होटल ढाबों के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि अगर 31 को देखते हुए और आगे 1 जनवरी या आगे भी भविष्य में अगर कहीं इस तरह की घटना कोई मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। वन डे का जो सभी पूरे मध्य प्रदेश में लाइसेंस दिया रहा है विभाग द्वारा, जो बुरहानपुर शहर में भी इसके कुछ व्यवस्था की गई। न्यू ईयर के दिन जो है वो सबसे पहले तो हमारे पूरे शहर में एक पुलिस व्यवस्था रहेगी, जिसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि लेट नाइट जो है वो कोई भी शराब पी के वाहन ना चलाए, अगर वाहन चला रहे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो ताकि एक्सीडेंट्स जो होने वाले हैं उनको हम लोग रोक सकें। साथ ही साथ में जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है या जिन लोगों को जो है वो परमिशन मिली हुई है उसी के अनुरूप ही और उतने टाइम तक ही वो अपने अपने जो दुकान वगैरह है वो खुली रख पाएंगे और लोग भी उसका जो है वो आनंद ले पाएंगे। उसके बाद में पूरी सख्ती से कार्यवाही करके बाकी जो चीज़ें हैं उसको बंद कराएगी और इंश्योर करेगी कि प्रॉपर व्यवस्था बनी रहे। तहसील सिहोरा खितौला में पीड़ित अरविंद अवस्थी ने बताया कि अशोक अवस्थी, उपमन्यु अवस्थी, आशीष अवस्थी उनके भाई हैं और सभी ने 12 मार्च 2021 को उनके घर में घुसकर उनके साथ और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की थी और जब उसके पुत्र के साथ गंभीर रूप में मारपीट की गई थी और इस संबंध में उसके भाई अशोक अवस्थी, उपमन्यु अवस्थी, आशीष अवस्थी के विरुद्ध पुलिस थाना सिहोरा द्वारा अपराध दर्ज किया गया था। वो इस प्रकरण में सिहोरा न्यायालय में अभी भी मामला लंबित है। सिहोरा के तहसीलदार राकेश चौरसिया ने हमारे एक मकान का बंटवारा था, उसमें फर्जी सिग्नेचर हमारी करवाकर हमारे भाइयों ने राकेश चौरसिया को मिलाकर और फर्जी बंटवारा का आदेश करवाकर और बंटवारा करवा दिया, बल्कि पूर्वक पहले से ही उस प्रॉपर्टी का केस सिविल कोर्ट में चल रहा था। जब भी कहाँ शिकायत की आपने? उसकी शिकायत मैंने SDM सिहोरा को भी की, कलेक्टर जबलपुर को की और SP जबलपुर को भी की, लेकिन आज तक 7वें महीने से लेके अभी 5-6 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक सब आदेश कार्रवाई का आश्वासन देते हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की ना कोई जांच की। पटवारी ने जो लिखा है उसमें पटवारी ने अपनी जांच में ये लिखा है कि मैं अरविंद अवस्थी उपस्थित नहीं हुए और उसी की रिपोर्ट में मेरे साइन भी कर दिए गए। अच्छा, उन्होंने साइन किए हैं उस पर प्रशासन से मेरी ये
विनती है कि जिन्होंने फर्जी बटवारानामा तैयार किया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने फर्जी सिग्नेचर किए हैं उन पर FIR दर्ज की जाए। नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद अवस्थी। शारदा नगर रिछवाई में एक माह से चल रहे रामचरितमानस पाठ और बेला के समीप शारदा नगर रिछवाई में कटारे परिवार के यहाँ विगत 35 दिनों से रामचरितमानस पाठ का आयोजन चल रहा है, जिसमें अनेक संतों का समूह और आसपास क्षेत्र की भजन मंडलियों का आगमन हो रहा है। विदित हो कि ये कटारे परिवार द्वारा नर्मदा परिक्रमा वासियों को निःशुल्क रोकने और भोजन की व्यवस्था भी विगत कई वर्षों से की जा रही है। कटारे परिवार द्वारा ग्राम वासियों सहित भक्तों के अनुरोध किया गया कि रामचरितमानस में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करें और पुण्य कार्य के सहयोगी बने। बस स्टैंड बरेला से परवाड़ की ओर जाने वाले मार्ग पर इन दिनों बदहाल स्थिति में, लगभग 11 किलोमीटर के इस मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से मार्ग से निकलने वाले वाहन चालकों को बड़ी परेशानी होती है। इस मार्ग के अंतर्गत आने वाले ग्राम सहित 2 दर्जन गांव के लोगों को आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन समय पर मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस मार्ग में सफर करना आम आदमी के लिए बड़ी मुसीबत का काम है। गर्भवती महिलाओं को भी इस मार्ग से आना जाना पड़ता है, जो कि काफी कठिन है। मिशन कंपाउंड संपत्ति की प्री बिड नीलामी का क्रिश्चियन समुदाय ने गैर कानूनी बताया, कार्रवाई का विरोध किया है। 1970 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में स्वीकृति नक्शे के आधार पर छोड़े गए ओपन एरिया को बेचने की फिराक में राज्य सरकार और प्रशासन शासन क्षेत्र जनों संघ कांग्रेस ने विरोध किया। देखिए, एक तरफ जहां सरकार भूमाफियों पर लगाम कसने की बात कर रही है, वहीं सरकार बतौर भूमाफिया इस प्रदेश में काम कर रही है। आज जहां पर ये विवाद की स्थिति बनी है, सरकार का कोई एक उपक्रम है जिसने मात्र 1 या 1.5 साल पहले जन्म लिया है, और इस उपक्रम का काम है कि जहां पर ओपन लैंड पड़ी है उसका ऑक्शन करना, उसको बेचना। इस कॉलोनी का जो 1970 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर के तहत हमको नक्शा स्वीकृत हुआ था, जिसमें एक ग्राउंड को ओपन एरिया दर्शाया गया है, एक को पार्किंग दर्शाया गया है, वो हमने आपके समक्ष रखा। साफ तौर पर एक जो घटना दुर्घटना पूर्व में हुई थी, उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ये कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर 50 साल से जो रहवासी रहते हैं, ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पर ना किसी ने व्यक्ति ने कब्जा करा, ना किसी ने ऐसी मंशा रखी। यहाँ पर बच्चों का खेलने का ग्राउंड है और जबलपुर के अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर रहते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सरकार का एक उपक्रम है जो कि पूरे प्रदेश में आवासीय व्यवस्था सुदृढ़ रहे, उस हिसाब से प्लानिंग बना के कॉलोनियों को देती है, व्यक्ति विशेषों को देती है कि कहीं अगर कॉलोनी डेवलप करनी है तो इस आधार पे इस नॉर्म्स को आप पूरा करेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीशन दिया जाएगा। 1970 में जब इस कॉलोनी का निर्माण हुआ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो ओपन एरिया छोड़ने की बात की गई थी, इस कॉलोनी के रहवासियों ने उस ओपन एरिया को छोड़ा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो एक आइडेंटिफाइड एरिया पार्किंग के लिए छोड़ा था, उसको वहाँ पर छोड़ा गया, और पिछले 50 सालों से ओपन एरिया के तौर पर वो दोनों एरिया यहाँ पर हैं। लेकिन आज स्थिति ये बनी कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा पिछले 12-15 दिनों से इस दोनों ज़मीन को ऑक्शन करने की बात की जा रही है और बिल्डरों को आमंत्रित किया जा रहा है। तकरीबन 6 शिकायतें भेज दी जा चुकी है, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो कि सरकार का ही उपक्रम होता है, जो कि सरकार के द्वारा स्वीकृति मिलती है कि आप किस तरीके से जहां पर आप आवास कर रहे हैं वहां पर कैसी व्यवस्था बनाएं, उसका वायलेशन करते हुए सरकार इस ओपन एरिया को यहां पर बेचने जा रही है। अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा इस एरिया को ओपन एरिया छोड़ा गया है, तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में जितने भी ओपन एरिया कॉलोनी जो बिल्डर ने डेवलप करी है, तो उनको भी स्वीकृति देनी चाहिए कि वे भी उस ओपन एरिया को बेच सकते हों। जबलपुर जिला शिक्षा विभाग में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब शिक्षा विभाग के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षकों के आश्रितों को बुलाया गया। तो वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जिले के 57 आश्रितों को शिक्षा विभाग बुलाया गया, और जहां इस दौरान नियुक्ति को लेकर आश्रितों को शासन की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए उन्हें अपनी अनुकंपा नियुक्ति के बदले 5 साल का वेतन देने का ऑफर दे दिया गया और इस पद को छोड़ने की बात कही गई, जिसके बाद आए हुए आश्रितों में खासा आक्रोश देखने को मिला। मौके पर जैसे ही शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया की सूचना राज्य शिक्षक संघ को लगी, मौके पर संघ के पदाधिकारी आश्रित भी मदद के लिए पहुंच गए और ज्ञापन देते हुए ये मांग रखी गई कि शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके कारण आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सालों से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वही जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा इन आश्रितों को उठाना पड़ रहा है और अपनी नियुक्ति को लेकर यहां वहां भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
स्वर्गीय श्री मनोज कुमार बबेली जी की पत्नी हूँ। मेरे पति शिक्षक होते हुए मास्टर ट्रेनर भी थे। अभी मुझसे अर्हताएं पूरी करने के लिए बार बार बोला गया, जो जो योग्यताएं मांगी गई मैंने पूर्ण रूप से पूर्ण की हैं। आज मुझे ऑफर दिया जा रहा है कि मैं फोर्थ ग्रेड मीन्स प्यून के पद पर या 5 साल का वेतन ले लूँ, बट ये मुझे मंजूर नहीं है। 5 साल का वेतन मीन्स बाल्टी का पानी है, कितने दिन तक चलेगा? कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करूं, कैसे खुद का भरण पोषण करूं? एक शिक्षक की पत्नी अगर एक बाई का काम करेगी तो क्या ये मंजूर होगा? मुझे ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर हमें ऐसा पहले नहीं बोला गया होता कि योग आहताएँ पूर्ण करो, तो हम अपना दूसरा विकल्प देखते। पर हमें रोज़ रोज़ नए नए कुछ पेपर्स लाने के लिए बोला गया। 6 साल से कंटिन्यू आ रही हूँ और डेली कुछ पेपर लेके आती हूँ। इसके बदले में आज मुझे इस चीज़ के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए है। या तो हमारे लिए हमारी योग्यता के अनुसार पद दिया जाए, अन्यथा शासन अपने हिसाब से देखे और हम लोगों के लिए फिर जो करना है सो वो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे संघ के हमारे सहयोगी हैं, वो जैसा निर्देशित करेंगे हम लोग आगे वैसा ही करेंगे। मैं निशा बबेले। ठीक। बुरहानपुर में कांग्रेस ने इकबाल चौक से गांधी चौक तक संकल्प रैली निकाली। रैली में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी, अपने प्रवक्ता शेख रुस्तम, नगर निगम उपनेता प्रतिपक्ष उबेद शेख, नगर निगम पूर्व अध्यक्ष गौरी शर्मा ने रैली को संबोधित कर प्रदेश में भाजपा सरकार को बदल कर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। रैली का समापन गांधी चौक पर हुआ। यहां पर कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध पर प्रदेश सरकार को घेरा। रैली में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी, किशोर महाजन, मुकेश महाजन, शब्बीर खान समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर में वर्ष 2022 में अन्य वर्षों की तुलना में आपराधिक घटनाएं में कमी आई है। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने जानकारी दी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते आरोपियों को चंद घंटों में सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। कैप्टन राहुल कुमार लोढ़ा के मार्गदर्शन में जिले में आपराधिक घटनाओं में कमी आई और अपराधों पर लगाम कसी गई। वहीं कई मामले भी अपराधिक की धरपकड़ कर उन्हें जेल भेज दिया गया, जो कि कई दिनों से वांछित चल रहे थे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।